हुई तो वो रोए थे, मैं शेयर करना शुरू किया था। नाम लिखे करना अल्लाह बख्श मोहम्मद खान। आज है 13 अक्टूबर, आपके वालिद नहीं रहे। आप यकीन करें, आंखें बंद भी कर लूँ ना, कुरान खानी भी मैंने यही ऐसी आदत है अपने आप को अल्लाह के पास जाने का, बट इस कुरान खानी में शरीक की आवाजें जो है ना आज तक गूंजती है। काश मेरे जुम्मा की नमाज के पहले उनके इस आले सवाब के लिए पूरी जिंदगी भी करो ना, वो भी कम है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। सो चले आज का व्लॉग, जिंदगी व्लॉग ही बन के रह गई, क्या बोलूँ मैं, तो व्लॉग शुरू करेंगे। सो आज है 13 अक्टूबर 2023 और आज मेरे मरहूम अब्बा की बरसी का दिन है, वो दिन जब हमारे वालिद का हाथ हमारे सर से उठ गया था। ऐसा तो हम लोग हमारे वालिद को रोज़ याद करते हैं, रोज़ डेली, ऐसा एक दिन नहीं होता ना जिस दिन अब्बा को याद ना किया गया हो। बट ये जो दिन आता है ना, जब ये दिन आता है तो ख़ास वो पल याद आते हैं ना। अब यकीन करें, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं होगा, जितने तमाम लोग जिनके वालिद या वालिदान जो अल्लाह के पास चले गए, सबका यही हाल होगा कि जब वो दिन आता है ना, तो वो जो पल होता है ना, जो वक्त, जो चीज़ें गुजरी होती है आपके साथ, तो वो सारा कुछ है ना उस दिन आके सामने खड़ा हो जाता है। तो ऐसे कुछ मेरे साथ आज अब्बा को जाके 6 साल हो गया, लेकिन ऐसा लगता है ना कि मैं वहीं की वहीं हूँ, मैं 6 साल में कहीं आगे नहीं बढ़ी। यकीन करें, जब अब्बा का नाम ही मेरे मुंह पर आता है ना, मेरे आंखों में आंसू अपने आप भर जाते। जाहिर सी बात है यार, सारे लोगों का यही हाल होगा कि जब वो अपने वालिद या वालिदान को याद करते होंगे, अपने महरूमों को याद करते होंगे, उस वक्त को याद करते होंगे, तो बहुत दिल दुखता है, जाहिर सी बात है। तो मेरे लिए भी ऐसी है कि बस 13 अक्टूबर, मैं समझती हूँ ना कि हमारी ज़िंदगी बदल दिया इस दिन ने ना, हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दिया। आज भी कहती है ना, मैंने कल भी कहा था आप लोगों से कि 12 अक्टूबर आता है फिर 13, 12 अक्टूबर की जो रात हम लोग की गुजरी है, पूरा दिन तो खैर पता नहीं था मुझे, बस 4 बजे के बाद से जो अब्बा के बारे में खबर आने लगी थी, अब्बा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उस दिन से लेके, मतलब वो शाम से लेके पूरी रात जो 12 तारीख की गई है जब, तो वो रात में ना याद करती हूँ ना, यकीन करिए पूरी रात में सो नहीं पाती हूँ। 6 साल हो गए, बस 6 साल से मैं वो रात सो ही नहीं पाई हूँ, 12 तारीख की रात, और पूरी रात मुझे ना वो सब चीज़ें ना मेरे सामने आके खड़ी होती है, मैं याद करती रहती हूँ कि किस टाइम पे किसका फ़ोन आया था और किस टाइम पे क्या हुआ था। फयाज को मैंने भगाया कि जाओ जल्दी जाओ हॉस्पिटलाइज, अब्बा हॉस्पिटल में, अब्बा से एम्बुलेंस में अब्बा थे, अब्बा से बात हुई, अब्बा ने माही से बात किए, मतलब बहुत चीज़ें जो होती है ना एकदम से, वो सब चीज़ें मैं ना याद करती रहती हूँ। मतलब पूरी रात ना मुझे नींद बिल्कुल आती नहीं है, मैं आँखें बंद भी कर लूँ ना मुझे नींद नहीं आती, वो सब सारी चीज़ें जो ना मेरे आँखों के सामने ऐसा आके खड़ी सी हो जाती है। यकीनन सबके साथ होता होगा ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही ऐसी होता है, यकीनन हर एक अपने महरूमों को याद करते होंगे उस पल को लेके। तो मेरे साथ भी ऐसी है कि जाहिर सी बात है यार, बहुत तकलीफ़ होती है यार, जाहिर सी बात है कि जब वो जो आपके कान में जब वो वर्ड जाता है ना कि आपके वालिद नहीं रहे, वो ना कानों में गूंजता रहता है, वो आपके कानों में से ना वो वर्ड जाएगा नहीं है। और ये अल्फाजे जो है ना कि मेरे अब्बा नहीं रहे, वो मैंने मेरी अम्मी के मुंह से सुनी थी कि तेरे अब्बा नहीं रहे, अब्बा चले गए, और वो ना मेरे कान में ना अम्मी की आवाज़ें जो है ना आज तक गूंजती है। मेरा कैसे पता है कि ना मैं अपनी जो बातें होती है ना, मैं जल्दी अपनों के साथ में बैठ के बातें नहीं करती कि मुझे अब्बा की याद आती है क्या, फिर मैं अब्बा को बहुत मिस करती हूँ। मेरी एक बहुत
ऐसी आदत है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती किसी के सामने भी, रो नहीं पाती, बस अपने आप में रहती हूँ। अब्बा को तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आज भी बस जब भी कुछ अल्लाह मुझे खुशियाँ देता है ना, तो मेरे लफ्ज़ों में ना, मेरे अल्फाजों में एक ही वर्ड आता है कि काश मेरे अब्बा इस वक्त होते, काश मेरे अब्बा होते, काश मेरे अब्बा होते। आप यकीन करें कि अब्बा गए मेरे, मुझे ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा फील होता ना कभी कभी कि इतने जल्दी नहीं जाना था। मतलब देखिए, वक्त तो जाहिर सी बात है सबका मुकर्रर है अल्लाह के पास जाने का, बट होता ना कि हमारे दिमाग में, हमारे दिल में ऐसी बात आती है कि ना बहुत जल्दी चले गए, बहुत जल्दी चले गए। अभी तो हमारी उनको पूरी दुनिया देखना था, मेरे बच्चे, मतलब ऐसा फीलिंग आती है ना कि जब अब्बा गए तो माही तो सिर्फ 3 साल की थी, छोटी सी थी, बहुत छोटी, 3 साल की, और नुमेर जो था ना मेरा 11 साल का था, अब्बा को जाके आज 6 साल हो गए। तो ना कभी कभी मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें आती, मेरे दिल में होता है, निकलती है बातें कि अब्बा इतनी जल्दी क्यों गए, अभी तो बहुत कुछ देखना था उनको, बहुत कुछ देखना था, मेरे बच्चे बड़े होते हुए देखना था, बहुत कुछ देखना था, बट क्या करेंगे। बेशक यार, सबका वक्त मुकर्रर है, सबको जाना ही है, वक्त मुकर्रर है, कोई सवाल इस पे कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। बाकी चले, अल्लाह मेरे मरहूम अब्बा की मगफिरत करे, उन्हें जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। आमीन सुम आमीन। आप लोग भी दुआ करना मेरे अब्बा के लिए। आमीन सुम आमीन। उनके तमाम गुनाह सगीरा व कबीरा को माफ़ फरमा, जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, कब्र की अज़ाब से महफूज फरमा। या अल्लाह उनकी कब्र को मुक्ताए नूर बना, या अल्लाह उनकी कब्र को हत्तल वसी कुशादा फरमा। आमाल नामा दाहिने हाथ में आता फरमाना, कुल सिरात का रास्ता गुजरना सा नाता फरमाना, और उनके अलावा यकीन को उनके घर वाले को सबरे जमीर आता फरमा। इनके अलावा सारे खाना के खानदान के, हर मुबरिक के खानदान के जुमला मरहूमीन मरहूमात के लबाक पेश कबूल फरमा, तमामों की मगफ़रत व बख्शिश फरमा। या अल्लाह तमामों को जन्नत में जगह इनायत फरमा। इस घर में रहने वाले बसने वाले तमाम अफराद को सेहत मंदी आता फरमा, सबों को शाद आबाद फरमा। या अल्लाह बिलखसूस सबों को पंजगाना नमाज वक्त पे अदा करने की तौफीक आता फरमा। या अल्लाह, इन लोगों ने जिस जायज़ मकसद के तहत खान खाने के तमाम किया तो बेहतर जानता है, इन सब की तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। हम हाजरीन व गाइबीन की तमाम दुआओं को मरहूम अल्लाह बख्श खान के रूप पेश कबूल फरमा, उनके हक में कबूल फरमा। اللهم صل على السلام والمسلمين، اللهم أيد السلام المسلمين، اللهم أيد السلام والمسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. यहाँ पे मैंने आप सबको इस कुरान खानी में शरीक किया, दुआओं में शरीक किया। यकीनन आप सब लोग मेरे मरहूम अब्बा के लिए दुआ करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। उनकी मगफिरत के लिए आप सब दुआ करेंगे कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे, उनका दर्जा बुलंद करे, उनकी नेकियों का वज़न बढ़ाए, उनकी सारी गलतियों को, गुनाह को बख्श दे। आमीन सुम आमीन। आज जुम्मा है और अब्बा जब गए थे ना, वो भी जुम्मा का ही दिन था, मतलब जुमेरात की रात, और जुम्मा के दिन सुबह 6:30 बजे खबर आई और अब्बा को जो है ना 12:30 तक के लेके चले गए थे, मतलब जुम्मा का ही दिन था और आज भी जुम्मा ही है। तो मैं वही याद कर रही थी कि जुम्मा का ही दिन है, जुम्मा का ही दिन है जब अब्बा गए थे। तो बस कुरान खानी भी मैंने यही वक्त करवा लिया, 11:30 को हज़रत आ गए थे पढ़ाई करने, और 1:45 बजे तक के कुरान खानी हो गई, पढ़ाई हो गई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है मेरी, अल्लाह के फ़ज़ल से हमारी जितनी कुव्वत थी उतना हमारे वालिद के लिए, उनके इसाले सवाब के लिए जो भी किया हम लोग ने, उनके लिए पढ़ाई और जो खाना तकसीम किया, बस इसका इसाले सवाब जो है ना मेरे मरहूम अब्बा अल्लाह बख्श मोहम्मद खान के तरफ पहुँच जाए, मेरी अल्लाह से यही दुआ है। आप लोग भी दुआ करना मेरे मरहूम अब्बा का नाम लेके, मेरे अब्बा का नाम है अल्लाह बख्श मोहम्मद खान। बहुत प्राउड फील होता है ना हम जब अपने वालिद का नाम लेते हैं ना, तो बहुत प्राउड फील होता है। और जब मैं मेरे नाम के आगे मेरे अब्बा का नाम लगाती हूँ ना, मदीना अल्लाह बख्श खान, तो मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है। कभी कभी मैं ना
बोलती हूँ कि माशाल्लाह मेरे अब्बा का नाम अल्लाह बख्श, मेरा नाम मदीना, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और बस आप लोग मेरे अब्बा का नाम लेके ज़रूर दुआ करना कि अल्लाह उनकी मगफिरत करे। बाकी जुम्मा की नमाज़ के पहले जितनी हमारी कुवत थी, मैंने बोला ना कि हर औलाद को अपने माँ बाप के लिए, उनके साले सवाब के लिए पूरी ज़िंदगी भी करो ना, वो भी कम है, क्योंकि उन्होंने हमको दुनिया दिखाई है। तो अगर हम उनके लिए पूरी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी जब तक है तब तक भी उनके इसाले सवाब के लिए हम जितना करें ना, उतना कम ही है। तो जितनी हमारी कुवत थी हमने किया उनके इसाले सवाब के लिए, ताकि इसका इसाले सवाब उनको पहुँचे। नमाज के पहले, जुम्मा की नमाज के पहले आपके फैयाज भाईजन ने, क्या ही बोलूँ मैं आपके भाईजन के बारे में, वो तो मेरे अब्बा के ना, वो मैंने हमेशा बोला है वो मेरे अब्बा के दामाद नहीं थे, मेरे अब्बा के बेटे थे वो। आज भी वो मेरे अब्बा के बारे में एक एक बातें जब मुझे बोलते हैं ना, तो वो रोते हैं कभी कभी बैठ के। क्या ही बोलूँ मैं, बस अल्फाजे कम पड़ जाएंगे अगर मैं अपने अब्बा के बारे में बोलने बैठ जाऊँ ना, अल्फाजे कम पड़ जाएंगे। जाहिर है हर औलाद जब अपने वालिद के बारे में या वालिदैन के बारे में, अपने महरूमों के बारे में जब वो ज़िक्र करने बैठ जाते ना कि हमारे अब्बा ने हमारे लिए ये किए, हमारे अब्बा ने हमारे लिए ऐसा किए थे, वैसा किए थे, ये टाइम पे ये हुआ था, वो जब तकलीफ़ हुई तो वो रोए थे, ऐसा हुआ था वैसा हुआ, तो हर एक औलाद के पास है ना जो अल्फाजे कम पड़ जाएगी अपने महरूम के लिए, जाहिर सी बात है। तो ऐसे ही कुछ है, मेरे पास भी अल्फाजे कम पड़ जाएंगी अगर मैंने मेरे अब्बा के बारे में आप लोगों के साथ में शेयर करना शुरू किया तो। लेकिन कितना भी कर लूँ वो कम ही है, मैं कितना भी कर लूँ वो कम ही है। और जाहिर है कि हर औलाद जब अपने माँ बाप के बारे में, चाहे वो महरूम हो या वो हयात हो, जब उनके बारे में कुछ बातें करना शुरू कर दे तो अल्फाजे वाकई में कम पड़ जाती है। तो ऐसे ही मेरे अब्बा के लिए भी है कि आज मैं जो भी हूँ, बेशक आज मैं जो भी हूँ मेरे अब्बा की वजह से, बिल्कुल भी, भले मेरे अब्बा जाने के बाद में ये मुकाम मुझे मिला है, लेकिन मुझे पता है कि ना मेरे अब्बा मेरे लिए बहुत दुआ करते होंगे, मेरे अब्बा की दुआएं लग रही है मुझे। मेरा अब्बा ना बहुत फिक्र करते थे मेरी, बहुत फिक्र करते थे कि मेरा, उनके ज़बान पे ना एक सेंटेंस हमेशा रहता था कि ना मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा, मैं कैसे करूँगी, मेरे मतलब उनको रहती थी हमेशा मेरी फिक्र। लेकिन आज वो ना, मुझे यकीन है कि ना मैंने उनको कभी, मुझको लेके उनको कभी मैंने टेंशन नहीं दिया, क्योंकि आपके फैयाज भाईजन ने मेरा हाथ थाम लिया। बाकी बस आखिरी में यही बोलूँगी कि अल्लाह तमाम महरूमों की मगफिरत करे, और प्लीज़ मेरे अब्बा के लिए भी आप लोग दुआ करना, मेरे अब्बा का नाम लेके करना, अल्लाह बख्श मोहम्मद खान। जब मैं अब्बा का नाम लेती हूँ ना तो आई रियली फील प्राउड ऑफ इट। अल्लाह हाफिज़।